हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मैं एचटीएल मैथ का फुल सॉल्यूशन कर रही हैं। हमारे चैप्टर चला था परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में हम क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू करेंगे। और मैंने आपसे कहा था मैं बिना एक्स के पूर्वगणित कराऊंगा तो बिना एक्स ही कराऊंगा, ठीक है। ओनली फ्रैक्शन मेथड से अलग दूसरा मेथड नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक आना बहुत जरूरी होता है और पता होना चाहिए कौन सा टीचर किस टाइप से क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है। तो देख लेंगे आप मैं किस टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसी टाइप से आप करोगे तो अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 शुरू करते हैं। 56 क्वेश्चन में बोला है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी है। तो बहुत आसान से करेंगे इस क्वेश्चन को। इसने बोला 1/3 भाग कितने परसेंट पर? 7% पर, ठीक है, 60% पर। और 1/4 भाग कितने पर? 8% पर। और इसने बोला शेष भाग। अब मुझे बताओ, 1/3 भाग कंप्लीट हो गया और 1/4 भाग कंप्लीट हो गया, तो शेष भाग कितना बचा? अगर आपको नहीं पता है तो आप निकाल लेंगे। किस तरीके निकालेंगे? 1/3 भाग कंप्लीट प्लस 1/4 भाग कंप्लीट, ठीक है। टोटल कितना कंप्लीट हो गया भाग? एलसीएम लेंगे इनका 12 मिल गया, और 4 × 3 = 7/12, ठीक है। और शेष निकालना तो एक में से इसको घटा देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना है? 5/12 आ जाएगा। जब 1 − 7/12 करेंगे तो कितना आएगा? 5/12 भाग आ जाएगा शेष, ठीक है। 5/12 कितने परसेंट पर? 10% पर, ठीक है। और इक्वल टू कितना? 561 रुपये है वार्षिक आय, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इन्हें सही से लिख लेंगे। 7/3 हो जाएगा ये, इसे डिवाइड कर लेंगे 4 × 8, कितना आएगा? 2/1 प्लस इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 × 12, और 5 से कटेंगे 2 × 10, 5 × 25 कितना हो जाएगा? 25/6, 561। अब यहाँ पर बताएंगे एलसीएम कितना मिल जाएगा। आप बोलोगे एलसीएम 6 मिलेगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा एलसीएम? 6 मिल जाएगा। ऊपर जब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना? 14 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 561, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे, ऊपर जोड़ेंगे जमीन, 14, 12 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51/6, ठीक है, इक्वल टू 561। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 51 से इसको काट लेंगे, कितने बार कट जाएगा? कितने बार कटेगा? 11 बार। और 11 × 1 जब 6 में करेंगे हम, तो कितना 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 11 × 66। मुझे क्या बतानी है? कुल पूंजी बतानी है। तो कुल पूंजी होती है, तो कुल पूंजी कितनी है? 100%। तो 100% 100 की गुणा इधर करती है और 100 की गुणा उधर करेंगे, कितना आएगा? 6600, ठीक है। 6600 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था ये, अगर आप कॉपी पर करोगे तो 5-10 सेकंड में आराम से कर जाओगे, ठीक है। मुझे समझाने के लिए इतना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। अब मुझे बताएंगे 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप बोलोगे 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, ठीक है। अगर नहीं पता तो जाकर देख लेंगे, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन किस तरीके निकालते हैं, ठीक है। तो 25 × 75 = 2600 कितनी आएगी? 3/4। अब इसको लिखते किस तरीके से? अब इसने बोला है राशि खर्च करता है, मैंने बताया कुल होगा नीचे वाली राशि, और जितना खर्च करेगा, बचत करेगा या जो भी परिवर्तन करेगा वो क्या होगी? अंश राशि, अंश वाली राशि होगी, ठीक है। तो खर्च करता है इसका मतलब 4 उसकी कुल थी, उसने 3 खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम आय खर्च और बचत, ठीक है। एक बार आप समझ लोगे बहुत आसान से कर जाओगे। इन्हें ये भी करना नहीं पड़ेगा आपको, जितना मैं लिख रहा हूँ आय खर्च बचत लिख रहा हूँ, ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। पर एक बार समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं कहूँ आय कितनी है, आप बोलोगे 4 आय है। मैं कहूँ कितना खर्च करा, आप बोलोगे 3 खर्च करा। मैं कहूँ कितनी बचत करी, आप बोलोगे 1 की बचत करी, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कैलकुलेशन आसान हो, कैलकुलेशन दशमलव में ना जाए, इसलिए मैं इनके पीछे 2 जीरो लगा लेता हूँ, ठीक है।
दो जीरो लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनुपात में कितने भी जीरो लगा सकते हैं, पर जितने एक में चेंज कर रहे हो उतना सभी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंतर उसकी आय में 20% बढ़ जाती है, आय कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो 400 का जो 20% आप निकालोगे, 400 का 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 80 उसकी आय बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाती है, 480 हो जाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके खर्च में 15% वृद्धि होती है, 15% 300 का 15% निकालो कितना आएगा, 45। ठीक है, 45 बढ़ जाता है खर्च, तो कितनी हो जाएगी ये, 345। अब मुझे बताएंगे आप, मुझे बताओ 480 तो उसकी आय थी, खर्च करा उन्होंने 345, तो आप कितने की बचत करी, आप बोलोगे 135 रुपये की बचत करी। कितने की बचत करी, आप बोलोगे 135 रुपये की बचत करी। अब उसने बोला है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो पहले बचत थी 100, अब कितनी होगी, 135, तो कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 35 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, 35 की किस पर हुई, 100 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, इतना मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल 100 से 100 कटेगा, कितना जाएगा, 35%। आप डायरेक्ट भी 35% लिख सकते थे, पर मुझे तो समझाना है। ठीक है, 35% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में डायरेक्टली दे रखा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दे रखा है रतन का व्यय, व्यय होता है खर्च को बोलते हैं। ठीक है, व्यय किसको बोलते हैं, खर्च को बोलते हैं। इसने बोला खर्च और बचत का अनुपात इतना है। अब मैं खर्च ही लिख देता हूँ, इसे व्यय नहीं लिखता। ठीक है, खर्च लिख लो, व्यय लिख लो, बात एक ही है, खर्च और बचत। ठीक है, खर्च और बचत का अनुपात इसने दे रखा कितना, 5:1। जो क्वेश्चन में बोला बस इतना करा भी हमने, उसने बोला यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। अब मुझे क्या पता कितना वेतन है, तो उसका वेतन निकाल लेंगे, वेतन मतलब उसकी आय निकाल लेंगे कितने रुपए है। जब उसकी आय निकालोगे तो मैं आपसे पूछूं, 5 रुपये उसने खर्च करे और 1 रुपये की बचत करी, तो उसके पास कितने रुपए रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर उसके पास 6 रुपये रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कैलकुलेशन दशमलव में ना जाए, इसलिए इनके पीछे 2 जीरो लगा लो। ठीक है, तीनों के पीछे लगाएंगे, जब एक में जो चेंज करोगे वो तीनों में करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, उसने बोला यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, तो 600 का जब 25% निकालोगे तुम, तो कितना आएगा, 150 निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इतना भी नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो अलग से कैलकुलेशन की ही बना दूंगा। ठीक है, 600 थी उसकी आय, 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई, तो कितनी हो गई, 750 रुपये। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला उसने, और उसके बचत में, और बचत 15%, बचत कितनी बढ़ा दिया थी, 15%, बचत कितनी बढ़ा दी, 15%, तो 100 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 बचत बढ़ा दी, तो बचत कितनी हो गई, 115 रुपये। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ 750 रुपये उसकी आय थी, ठीक है, 750 रुपये आय थी उसकी अब, और उसने बचत करी 115 रुपये की, तो खर्च कितने करे होंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 635 रुपये उसने खर्च करे होंगे। ठीक है, कितने खर्च करे होंगे, 635 खर्च करे होंगे 750 में से, जब ही तो 115 रुपये की बचत हुई। ठीक है, तो अब यहाँ से उसने पूछा है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताओ, व्यय मतलब खर्च में प्रतिशत वृद्धि, तो आप बोलोगे उसका खर्च पहले 500 था, अब 635 हो गया। मैं कहूँगा कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 135 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, 135 की वृद्धि किस पर हुई, 500 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 5 से इसको 135 को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 27%। कितना आ जाएगा, 27%। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से समझेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने बोला 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। बस इतना ही करेंगे, पहले इनकी फ्रैक्शन लिख लेंगे तीनों की, 80% खर्च कर देता है, और कितना, 85% खर्च करता है, और कितना करता है, और 75%। ठीक है, यहाँ तक कर लिया हम, इनकी फ्रैक्शन लिख देंगे। ठीक है, इनकी फ्रैक्शन कितनी होती है, अब मैं पूछूँ कितनी होती है फ्रैक्शन, आप बोलोगे 80% की हो जाएगी 4/5। ठीक है,
और 85% की हो जाएगी 17/20 और 75% की हो जाएगी 3/4। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन निकाल नहीं आती तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इतना करने के बाद क्या करना है, अब मुझे यहाँ देखेंगे उसने क्या दे रखा, उसने देखा बचत का अनुपात। ठीक है, बचत का अनुपात दे रखा है। अब मैं आपसे कहूँ उसकी आय पहले 5 थी, उसने 4 खर्च करा। ठीक है, खर्च कर रहा था ना, यहाँ पर खर्च कर देता है, 5 उसकी आय थी, 4 खर्च करा, बचत कितने करी 1 रुपये की, आप बोलोगे 1 की। ठीक है, ये आय थी, यहाँ पर क्या करी उसने, बचत, 5 में से 4 खर्च करा, 1 की बचत। अब मैं बोलूँ 20 तो उसकी आय थी, 17 उसने खर्च करा, तो कितने की बचत करी, आप बोलोगे 3 की बचत करी, मैं कहूँगा ठीक है। अब आगे बोलूँ मैं उसकी, 4 तो उसकी आय थी, 3 खर्च करा, बचत कितने करी 1 की। ठीक है, यहाँ तो कोई भी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, उसने बोला है बचत का अनुपात 8:9:20 है, तो 8:9:20 है, तो 1 की वैल्यू 8, ठीक है, 3 की वैल्यू 9 और 1 की वैल्यू 20। ठीक है, यही तो बोला था उसने, बचत का अनुपात 1:3:1 नहीं है, उनने बोला बचत का अनुपात 8:9:20 है, तो 1 की वैल्यू 8, तो इस 5 की आय कितनी हो जाएगी, 8×5=40 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी हो जाएगी 40, 3 की वैल्यू 9 है, 3 की वैल्यू कितनी है 9, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 3, 20 से कितनी होगी, आय कितनी आएगी 60। अब 1 की वैल्यू 20 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 80, कुल आय मेरी ये आ गई। ठीक है, तीनों की आय ये आ गई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये ए की आय आ गई, ये बी की आय आ गई और ये सी की आय आ गई। ठीक है, इस पे थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए इस पे समझाना पड़ता है। ठीक है, तो उसने बोला है आय का कुल योग जो है, आय का कुल योग यहाँ से कितना बैठ रहा है, 40, 60, 100, 180। ठीक है, कितना बैठ रहा है, 180। उसने बोला है आय का 180 नहीं है, 72,000 है। ठीक है, कितना है, 72,000। अब मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, जब 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 400। अब उसने बोला था तो 1 का वेतन कितना है, तो 1 का वेतन कितना है, 1 का वेतन कितना था, 40 था, 1 का वेतन कितना था, 40 था। जब 1 की वैल्यू 400 है, तो 40 की वैल्यू कितनी आएगी, 400 से इसकी गुणा कर देंगे, कितनी आएगी, 416,000, कितनी आएगी, 16,000। इस पर बहुत कम पड़ता है, इसलिए इस पर समझाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल समझाना पड़ता है डिटेल से, नहीं तो शॉर्टकट में बहुत आसानी से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, पर पूरी डिटेल में समझाना पड़ता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितनी आएगी, 16,000, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला इसने, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 56 की तरह है भी। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग का पर 3%, 1/4 भाग पर 3%, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज मिलता, और 2/3 पर, और 2/3 पर 5% का ब्याज मिलता। ठीक है, और शेष पर, अब मुझे बताओ 1/4 भाग कंप्लीट हो गया और 2/3 भाग कंप्लीट हो गया, तो शेष भाग कितना बचा, तो आप क्या करोगे, 1/4 भाग कंप्लीट और 2/3 भाग कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट कितना भाग हो गया, कंप्लीट कितना हो गया भाग, आप बोलोगे 4 एलसीएम इनका 12 मिल गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ से कितना आएगा, 8, 8 और 3 11, कितना लिख दूँ मैं, 11/12 तो कंप्लीट हो गया। अब मैं कहूँ शेष कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 में से घटा दो, जब 1 में से मैं इसको घटाऊँगा तो कितना आएगा, 1/12 भाग, शेष भाग कितना बचा, 1/12, शेष भाग कितना बचा, 1/12, तो शेष भाग पर कितना, 11%। ठीक है, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, अब 3/4 हो जाएगा ये, प्लस 5×10/3 हो जाएगा, प्लस 11/12। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा, इसका 12 एलसीएम मिल जाएगा, 4 से 3 बार कटेगा, 3×3 9 हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब इनको हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/12, 12×60, 5% हमारा क्या आ गया, प्रतिशत ब्याज। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, इसे देखते कर देंगे हम। किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। तो इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने जब चैप्टर शुरू कराया था अभी एक दो दिन पहले वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला, किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और एक 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है, ठीक है, इसका मतलब वो भी खर्च ही करता है। तो 33% टोटल उसके पास से चला गया, ठीक है, 33%। मैंने बताया था अगर शेष नहीं बोला है तो इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो जरूर देख लो, उससे आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस टाइप से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। 33% हो गया। अब मैं आपसे बोलूँगा इसकी फ्रैक्शन बताओ, तो आप बोलोगे 33/100, ठीक है, ये खर्च करता है। और उसने बोला है वह इन मदों पर 2310 रुपये खर्च करता है। मैं बोलूँ यहाँ से उसकी आय थी 100, खर्च कितने करे उसने 33, उसने बोला खर्च 33 नहीं करे 2310 रुपये खर्च करें, ठीक है। तो मैं बोलूँ एक की वैल्यू कितनी आएगी, 33 से कितनी बार कट जाएगा ये 2310, 33 से कट जाएगा 70 बार, ठीक है, 33 से कितने बार कट जाएगा 70 बार, डिवाइड कर सकते हो। तो उसने बोला था उस महीने का कुल वेतन कितना, कुल वेतन कितना था 100, तो जब एक की वैल्यू 70 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 7000, ठीक है, कितनी आएगी 7000, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अब मैं आपसे पूछूं टोटल कितना खर्च कर रहा है, क्योंकि शेष नहीं बोला। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है 35% भोजन पर और शेष का 5%, ठीक है, ऐसा बोलता तो हमें फ्रैक्शन अलग अलग लिखनी होती, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर शेष नहीं बोला तो इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे, कितनी होगी 35% और 5% कितनी होगी 35% प्लस 5% बराबर कितना, टोटल कितना खर्च कर रहा है 40% खर्च कर रहा है। अब मैं आपसे बोलूँ 40% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप बोलोगे 2/5, कितने बोलोगे 2/5। तब उसने बोला 1 जनवरी 2011 में उसने इन मदों पर इतने रुपये खर्च करे। मैं बोलूँ कुल आय थी उसकी कितनी, उस महीने का वेतन कितना था 5, खर्च कितना करा उसने 2, बोला खर्च 2 नहीं करा 17600 खर्च करे हैं, ठीक है, 17600 खर्च करे हैं। तो मैं बोलूँ एक की वैल्यू कितनी आएगी, जब 2 से ऐसे काटेंगे 17600 को तो एक की वैल्यू हो जाएगी 88000, ठीक है, 88000। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू इससे गुणा कर देंगे 88000 से, तो कितनी आ जाएगी 5 की वैल्यू 44000, ठीक है, 44000, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।